इससे ज्यादा एफ आई आर नहीं। इस तरह मुझे भी उन्होंने कोई 50 मालूम और ना मालूम एफ आई आरों में इन्होंने मुझे नामजद किया हुआ है, लेकिन इन तमाम एफ आई आरों में मेरी बीवी हो चुकी है या मेरी एफ आई आर क्वेश हो चुकी है या मेरा केस में ट्रायल है, कोई भी ऐसी चीज मेरे खिलाफ नहीं है जिसे मुझे गिरफ्तार किया जाए। तो मैं बताला था कि अपने केसेस के लिए जब पेश होता हूं तो ये पुलिस जो है ये मेरे ऊपर मौजूद थे कि इनके पास कोई ना वारंट थे ना इनके पास मेरे खिलाफ कोई एफ आई आर थी। ये मेरे पे छापे लगाते रहे, मेरे दोस्तों के घर छापे लगाते रहे, बार वर्कर से घर छापे लगाते रहे, पीटीआई के लीडरशिप के घर छापे लगाते रहे, मेरे घर छापे लगाते रहे बार बार। अब ये पोजिशन है कि जाहिरी बात है मैंने अपने केसेस में पेश तो होना है और मैं चूंकि अदलिया पे हमें एतमाद भी है और अदलिया पे हमें फख्र भी है और हमने उसी का इशारा लेना हमारा फंडामेंटल राइट है। तो पुलिस जो है वो इस तरीके से अब बाहर आके पहले मुझे पेश नहीं होने दे रही थी, उसके बाद में अंदर पेश हुआ तो बाहर आके निकलने नहीं दे रही थी, टाइम गेन कर रहे थे, उसमें टाइम जया कर दिया। मुझे वहां से बीबीए मिली हुई है उस केस में, नया एफ आई आर दिखा रहे हैं, ना वारंट दिखा रहे हैं और खड़े हैं यहां पे जिसे हम गिरफ्तार करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये इमरान खान की जो जंग है ये इस कौम की आजादी की हकीकी आजादी की जंग है, इसी चीज की आजादी की जंग है कि अगर किसी शहरी के पास किसी बंदे के पास अपने फंडामेंटल राइट ही ना हो तो कैसे एक आजाद मुल्क है ये। इंशाल्लाह हम इस जंग में खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह मेरा पूरे पाकिस्तान को पैगाम है कि इंशाल्लाह हमने पीछे नहीं हटना और हमने